साथियों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यूस सीरीज सतत श्रेणी के बारे में बताया था, जिसमें दो पार्ट जो है उसके समावेशी श्रेणी और अपवर्जी श्रेणी उनके बारे में बताया था, और समावेशी को अपवर्जी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये भी आपको बताया। अभी अखंड श्रेणी या सतत श्रेणी के बारे में कुछ और बातें हम करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे या। अब आप देखो, जैसे मैं एक अखंड श्रेणी नोट करता हूँ, ये हमारे ग्रुप से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है मान लो जिनको हम फ्रिक्वेंसी नोट कर रहे हैं, 5, 8, 12, 7, 20, 4। तो फ्रिक्वेंसी की टोटल करते हैं, वो एन हो जाती है नंबर ऑफ आइटम्स टोटल, 8, 5, 13 और 12, 25, 7, 32 और 20, 52 और 4, 56, 56। और ये ग्रुप जो मैंने नोट किए हैं, ये आपको पता है अपवर्जी श्रेणी के ग्रुप से कैसे पहचान होगी अपवर्जी की। पहले ग्रुप की अपर लिमिट, दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट, दोनों सेम है। अब देखो बात क्या आती है, एक होती है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, मध्य मूल्य, मध्य मूल्य भी कहते हैं इसको, मध्य मान भी कहते हैं, केंद्रीय मूल्य भी कहते हैं, मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है? देखो आपको पता है कि कोई भी ग्रुप है उसकी दो लिमिट है, एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट। तो मिड वैल्यू निकालना है यानी बीच का मूल्य, तो लोअर लिमिट को हम L1 लिख देते हैं, अपर लिमिट को L2 लिख देते हैं, L1 प्लस L2 बटा 2 करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ इस श्रेणी में मैं मिड वैल्यू निकालूं, तो ये मिड वैल्यू मेरे निकल जाएगी 0 और 10 को जोड़ेंगे, उसको 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आया 5, 10 और 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 15। इस तरह से सभी वर्गों का मध्यमान या मध्य मूल्य जो है वो क्या। अच्छा, अभी अपने एक दो उदाहरण हमने देखे, तो उसमें आपने देखा कि मैंने ये ग्रुप जो है ये सारे 10-10 के गैप के लिए, तो उसको हम कहते हैं समान वर्गांतर वाली श्रेणी। लेकिन ये असमान वर्गांतर की श्रेणी भी बनाई जा सकती है। जैसे मान लो कोई श्रेणी इस तरह से बनी हो, 0 से 10, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 50, 50 से 100, 100 से 500। अब ये एक श्रेणी है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो कुछ भी है, मान लो ये सेम फ्रीक्वेंसी नोट हो गई यहाँ पे, तो ये भी एक श्रेणी हो सकती है। इसको हम कहेंगे असमान वर्गांतर वाली श्रेणी, क्योंकि वर्गों का जो अंतर है, क्लास इंटरवल जो है वो समान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप देखो कि इसमें भी मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी तो मान लो मैं सेम ही रख देता हूँ, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी तो ये लिख दी मैंने। अब मान लो इसमें भी मिड वैल्यू निकालनी है, तो 10 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 प्लस 0, 25 और 35 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 और 10 मतलब 35, 40 और 25 65 को 2 से करेंगे, 90 को 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, इसको भी 2 से, कुल मिलाकर ये मिड वैल्यू जो है वो ज्ञात हो जाएगी असमान वर्गांतर की श्रेणी। तो इस तरह से मध्य मूल्य या मिड वैल्यूज ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, कोई भी श्रेणी हो दिक्कत नहीं है, समान वर्गांतर की श्रेणी है उसमें भी मिड वैल्यू इसी तरीके से निकाली जाएगी L1 प्लस L2 बटा 2, और असमान वर्गांतर की श्रेणी है उसमें भी मिड वैल्यू इसी तरीके से निकाल ली जाएगी। अब देखो आप मान लो, अब मैं आपको पहचान करने के लिए पूछूं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में मिड वैल्यू दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दी,
जैसे मान लो मिड वैल्यू दे दी 15, 25, 35, 45, 55, 65 और फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी है। अब मिड वैल्यू दे दी है और फ्रिक्वेंसी दे दी, अब आपको पूछा जाए ये श्रेणी कौन सी है। वैसे तो दिखने में तो खंडित जैसी दिख रही है देखो, लेकिन मिड वैल्यू दे दी इसका मतलब ये खंडित नहीं है, अखंडित है, क्योंकि मिड वैल्यू केवल अखंडित श्रेणी नहीं करती। तो इस क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू दे दी गई है, ग्रुप नहीं दिए तो ग्रुप आपको बनाने पड़े। तो मिड वैल्यू से ग्रुप कैसे बनाते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अभी मिड वैल्यू दे रखी है और इसे ग्रुप बनाने, तो बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, पहली मिड वैल्यू क्या है 15, दूसरी क्या है 25, दोनों के बीच में अंतर कितने का है 10 का, अंतर का आधा करना है, 10 का आधा करेंगे, 10 का आधा कितना होता है 5। तो आपको क्या करना है, 5 इसमें से घटाना है, इसी में जोड़ना, मतलब सब में से 5 घटाना है और सब में 5 जोड़ना। अब देख 15 में से 5 घटाऊं मैं तो कितना है 10, 15 में 5 जोड़ू तो 20, 25 में से 5 घटाए तो 20, 25 में 5 जोड़े तो 30, 35 में से 5 घटाया 5 जोड़ा, इस तरह से ये ग्रुप बन जाएंगे। हो गया सॉल्यूशन। यदि मिड वैल्यू दे दी जाए प्रश्न में और हमें उसके ग्रुप बनाने हो तो इस तरह से ग्रुप बना सकते। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम कहाँ आती है, अभी मिड, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, अब एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। मिड वैल्यू दे दे मान लो आपको असमान वर्गांतर की, जैसे मैं मिड वैल्यू लिखता हूँ 10, 20, 40, 80, 120, 200 और फ्रीक्वेंसी नोट कर देता हूँ, यही कर देता हूँ मान लो 3, 5, 8, 12, 7। अब ये मिड वैल्यू देखो, इसमें मिड वैल्यू में अंतर असमान, इसमें तो सब में 10 का अंतर था। अब ये असमान वर्गांतर वाली श्रेणी है और इसके ग्रुप यदि हमें बनाने हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा, नॉर्मल जैसे आपने इसको बनाया वैसे नहीं बनी। कैसे चेक करते हैं देखो, 10 और 20 के बीच में अंतर कितना है 10 का, 10 का आधा करो 5, मान लो 5 इसमें से घटाऊं और 5 इसमें जोड़ू मैं, पहला ग्रुप क्या बन गया 5 से 15, ठीक है। लेकिन दूसरा 20 और 40 में अंतर कितने का है 20 का, तो 20 का आधा करो तो 10, अब 10 इसमें से घटाऊं 10 इसमें जोड़ूं तो 20 में से 10 घटाया 10 और 20 में 10 जोड़ा, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। देखो पहला ग्रुप 5 से 15 तो दूसरा स्टार्ट कहां से होना चाहिए 15 से होना चाहिए ना, लेकिन यहां पे तो गड़बड़ हो जाती है असमान वर्गांतर का। तो असमान वर्गांतर की श्रेणियों में मध्य मूल्य से जब हम ग्रुप बनाते हैं तो तरीका कुछ बदल जाएगा। कैसे बनाएंगे, पहला ग्रुप तो ऐसे ही बनेगा 10 और 20 का डिफरेंस 10 का, 10 का आधा 5, 5 घटाया 5 जोड़ा तो पहला ग्रुप क्या बन गया 5 से 15। अब दूसरा ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक सिस्टम हम लगाएंगे। हम क्या करेंगे देखो, जैसे दूसरा ग्रुप की स्टार्टिंग 15 से होगी, ये तो मैं मालूम कंफर्म है ये बात, तो पहले ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, तो दूसरे ग्रुप की स्टार्टिंग तो कहां से होनी है 15 से, लेकिन खत्म कहां पे होगा ये चेक करना है। तो आपको क्या करना है, मिड वैल्यू को 2 से गुणा करनी है, मिड वैल्यू कितनी है 20, 20 को 2 से गुणा करके और ये जो लोअर लिमिट है इसकी ये घटा देंगे। देखो 20 × 2 = 40, 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 25, समझ गए बात को। अब देखो अगली स्टार्टिंग कहां से होनी है 25 से, अब मिड वैल्यू कितनी है 40 को 2 से गुणा करके 25 घटा, 80 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचा 55। अब अगले की स्टार्टिंग कहां से होनी है 55 से, मिड वैल्यू कितनी है इसकी 80, 80 को 2 से गुणा करके 55 घटाएंगे, 160 में से 55 घटाएंगे तो 105, अगले की स्टार्टिंग कहां से होनी है 105 से,
मिड वैल्यू कितनी है 120 इंटू 2 माइनस 105, तो 240 में से 105 घटाएंगे तो 135। अगले की स्टार्टिंग कहां से होनी है, 135 से, तो 200 को 2 से गुणा करके 135 घटा देंगे, तो 200 को 2 से गुणा किया तो 400, और 400 में से 135 आपको घटाना, तो 400 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 265 बचेगा। तो ये अंतिम वर्ग जो है 135 से 265। तो इस तरह से समझ आ गई बात सबके, पहले तो हमने सीखा कि ग्रुप से मिड वैल्यू कैसे बनाई जाती है, चाहे वो समान श्रेणी है और चाहे वो असमान वर्गांतर की श्रेणी। अब हमने सीखा है कि मिड वैल्यू से ग्रुप वापस कैसे बनाने, तो समान वर्गांतर की श्रेणी हो तो मिड वैल्यू से ग्रुप इस पैटर्न पे बनाएंगे, और असमान वर्गांतर की श्रेणी हो तो मिड वैल्यू से ग्रुप बनाने का ये पैटर्न रहेगा। क्लियर होगी बात सबको, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा अच्छी तरीके से। इसके आगे अभी कुछ पार्ट और है इसी चैप्टर्स में, उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।